दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निजी अस्पताल में चौकीदार की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, हमारे घर का बंदा जो था वो रात को ड्यूटी पर आया हुआ था और अचानक उसके साथ कोई घटना हो गया, तो पुलिस को या फिर बुलाए, जब बुलाते समय इसकी जब नौकरी यहाँ लगी होगी तो डॉक्यूमेंट्स के साथ लगी होगी, फोन नंबर के साथ, घर वाले को इतला नहीं किया इन्होंने, इन्होंने सब पहले पुलिस को बुलाई, पुलिस ने इसे क्या किया, सरकारी को डेड बॉडी भेजी। तो मैं पूछती हूँ, आज जो चीज सरकारी से ला करके प्राइवेट में डाला जाता है और ये कि हमारे अच्छे इलाज हो सके, और इन्होंने सरकारी में भेज दिया किस लिए, क्यों, यहाँ डॉक्टर नहीं थे, यहाँ नर्स नहीं थी, उसको क्या यहाँ ब्लड नहीं हो सकता था, क्यों भेजा गया हॉस्पिटल के अंदर? सर, उस बंदे को चाकू से मारा गया था, क्यों मारा गया, नहीं मारा गया, तो पुलिस वाले ही खोजेंगे या तो ये उनके जो इंचार्ज है वो बताएंगे। ये गार्ड ही है एक, आपको कैसे पता चला कि यहाँ के जो मतलब इंचार्ज है, जो गार्ड है एक आम आदमी, उसने घर वालों को फोन किया कि ये आपका बंदा डेड बॉडी हो गया है, इस तरह से हो गया, तब ये घर वाले यहाँ पर आए और आने से पहले इसका डेड बॉडी जो था वो सिविल हॉस्पिटल चला गया, ना घर वालों को देखने दिए ना कहीं देखने दिए। जब आप अस्पताल में हो रहे कम से कम एडमिट तो कर सके, नहीं क्या है कंधे धरने में जॉनी कार्रवाई जॉनी आ रहा है भैया, जॉनी कहाँ पे जा करता था, गार्ड की नौकरी करते हैं, इसी में गार्ड की नौकरी करता था। दो छोटे छोटे बच्चे लाल है, यहाँ पे मेरे रिश्तेदार थे, मेरे बहनों ही हैं, उनकी लगा हुआ उम्र कोई 22-23 साल के आसपास रही होगी, वो रात यहाँ पे ड्यूटी पे आए थे, सुबह 8 बजे वो पहुँचे नहीं घर, उसके बाद में एक गार्ड ने फ़ोन किया हमारे लिए कि तुम्हारे रिश्तेदार एक्सपायर हो गए, उसके बाद हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ना तो डेड बॉडी है और ना ही कुछ है, ना ही हमें जहाँ हादसा हुआ है वहाँ घुसने दिया है। क्या काम करते थे यहाँ पे? यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते थे। कब से कर रहे थे नौकरी? 6 महीने से, 6 से 7 महीने हो रहे होंगे। आपको इतना किसने किया? एक गार्ड ने फ़ोन किया था यहाँ से। अस्पताल वालों से बात करी? अस्पताल वालों से कोई बात नहीं हुई, हमारी एक भैया हैं उन्होंने बोले कि रुको सब कार्रवाई हो रही है, पुलिस वाले आ गए हैं, बाकी हमें अंदर नहीं जाने दिया। मर्डर हुआ है चाकू से, एक गार्ड है उसने किया है, वो गार्ड भी फरार हो गया।